और क्षार एवं लवण के बारे में जाना था, जिसमें पिछली कक्षा में हमने अम्ल और क्षार के बारे में जाना था, अब हम लवण के बारे में जानेंगे। लवण मिश्रित होता है जिसमें क्या हो, ये आपस में लवण कैसे प्राप्त होते हैं, अम्ल और क्षार, कौन से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। देखिए अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे और लवण का निर्माण करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल है HCl प्लस NaOH, ठीक, HCl प्लस NaOH, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और अम्ल का H प्लस आयन, अम्ल का H प्लस आयन और क्षार का OH माइनस आयन आपस में क्रिया करते हैं और जल का क्या करते हैं, वहां पर निर्माण करते हैं। उसी तरह से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया करने से क्या बनेगा, लवण बनेगा। लवण को क्या करें, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस यहाँ पर अम्ल का H प्लस आयन और क्षार का OH माइनस आयन दोनों आपस में क्रिया करेंगे और जल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जहाँ पर अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं, वो अभिक्रिया उदाशनीकरण की कहलाती है। क्या कहलाती है, उदाशनीकरण कहलाती है, ठीक। तो लवण क्या बोल लीजिए, लवण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसमें अम्ल का एच प्लस आयन मतलब धन आवेशित आयन और क्षार का OH माइनस आयन मतलब ऋणात्मक आयन दोनों आपस में मिलते हैं और जल का निर्माण करते हैं। फिर आता है आयनीकरण। आयनीकरण मीन्स होता है जिसमें क्या होता है, उदाशनीकरण मीन्स होता है जो आयन होती है वो टूटती है और एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर H2SO4 जलीय माध्यम है, कौन से माध्यम में, जलीय माध्यम में, जलीय माध्यम में जिसमें क्या रहेगा, जल में रहेगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तनु H2SO4 या फिर सारम H2SO4 जब इसको क्या किया जाएगा, जब ये टूटेगा तो टूटने या फिर ये बोल सकते हो अपघटित मीन्स होता है, टूट कर वो एक H प्लस आयन देगा और दूसरा क्या देगा, SO4 माइनस आयन देगा। तो यहाँ पर क्या बोल लीजिए, एच प्लस और प्लस क्या होगा, फोर माइनस। तो इस तरह से क्या बोलना चाहिए, जब आयनीकरण हो रहा है तो आयनीकरण मीन्स इसमें एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित का क्या होगा, वहां पर निर्माण होगा और यही निर्माण क्या कहलाएगा, आयनीकरण कहलाएगा। आयनीकरण मीन्स होता है वियोजित होना, ठीक है, वियोजित होने किस रूप में, एक धन आयन के रूप में, धन आवेशित के रूप में और एक ऋण आवेशित के रूप में। हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, अम्ल के बारे में, ठीक है, ये अम्ल के बारे में था। फिर आता है क्षार। क्षार मीन्स क्या होता है, क्षार जैसे एग्जांपल ले लो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार। अब देखो क्षार का आयनीकरण कैसे होगा या फिर ये वियोजित कैसे होगा, जिसमें Ca2+OH2-। तो इस तरह से मतलब ये किस रूप में, मतलब OH के रूप में, मैं पहले क्या बताया कि लवण में क्षार जो अम्ल है वो H प्लस आयन देगा और क्षार कौन सा देगा, OH माइनस आयन देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या बोलना चाहिए, आयनीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।